खाना खाओगे हम तो आपसे पूरे आपको चलेंगे तो हम खाते हैं खा लेते हैं आवाज आ रही है, जरा कंफर्म करो। कोई कंफर्म करो अभी क्लास का। यस सर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट 4 का पैरेलेक्स इक्वेशन। ठीक है, देखो अभी तक हमने स्टडी की थी कि किस तरीके से हम एलिवेशन हाइट और एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इस पैरेलेक्स इक्वेशन में क्या है कि ये तो आपको पता ही है कि एरियल व्हीकल्स पे जो आपका कैमरा लगा होता है वो कुछ कुछ डिस्टेंस पे एक्सपोजर करता है, यानी फ़ोटो लेता है ना। अब एक ही स्ट्रक्चर आपके ग्राउंड पे है, कोई स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग है, अगर इसको यहाँ पे आपका जब एरियल व्हीकल था और उसने फोटोग्राफ लिया यहाँ से इस बिल्डिंग का, और फिर वो यहाँ पे आ गया, इसने फोटोग्राफ लिया सेम कैमरे से सेम फोकल लेंथ से, तो हमें इसकी दो फोटोग्राफ मिल गए इस स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग होंगे दोनों फोटोग्राफ पे, है ना। तो जब किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग करते हो तो उनका जो फोटोग्राफ पे जो उनका जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट आएगा, वही आपका पैरेलेक्स इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, मान लो ये यहाँ से डिस्टेंस है आपका, ये तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, हम फोटो की बात करेंगे। मान लो डिस्टेंस है एक्स और यहाँ पे डिस्टेंस है यहाँ पे वाई, तो पैरेलेक्स क्या होगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, थोड़ा सा बता रहा था जैसे डायग्राम आप समझ सको, डायग्राम भी सिंपल ही है और थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना है तो समझ जाओगे। ठीक है, थ्योरी में जो मैं बताया है अभी वही सब चीज़ लिखी हुई है, फिर बताया हुआ है कि ये पॉइंट ओ पे है हमारा व्हीकल, फिर ओ टू पे है तो कैसे है, तो इस डायग्राम को समझ जाओगे तो हो जाएगा आपका। जब आपका एरियल व्हीकल पॉइंट ओ पे था तो उसने एक फोटोग्राफ लिया जो नीचे फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको भी कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझना। ठीक है, जब आपका एरियल फोटोग्राफ ओ टू पे था तो उसने फोटोग्राफ लिया यहाँ पे, तो फोटोग्राफ होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम एक्सपोजर डिस्टेंस, वो है आपकी बी। ठीक है, यहाँ तक कोई अभी बहुत सारी लाइनें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब क्लियर हो जाएगी। फोकल लेंथ दोनों की सेम होगी, ये फोकल लेंथ है, एच है आपकी डेटम तक हाइट। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को हाँ या ना में जवाब देते रहना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इतनी देर लगाओगे तो हो गया, बस जल्दी से तुरंत बोल दो। ठीक है भाई, दो जगह से ओ वन से ओ टू से उसी कैमरे से व्हीकल से फोटो लिया गया है, फोकल लेंथ दोनों की इक्वल है और एच डेटम दिया हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? तभी ये पूरा डायग्राम समझ पाओगे, नहीं है ना? ठीक है, आगे चलो। हर फोटोग्राफ का हमने बताया हुआ है कि फोटोग्राफ का एक प्रिंसिपल पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से सेंटर पॉइंट हो गया दोनों में, तो ओ वन वाले को ओ माना है, ओ टू वाले को प्रिंसिपल पॉइंट ओ डैश माना है, ओ डैश, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर वो ओ डैश वाली लाइन कंटिन्यू नीचे ग्राउंड तक जा रही है, जो हमारी कौन सी है, वर्टिकल लाइन, जो आपकी ग्रेविटी की लाइन के साथ कॉन्साइड करती है अगर वर्टिकल फोटोग्राफ है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, इसको इस कैमरे की हेल्प से जब देखा गया ये यहाँ पे, तो इसका जो टॉप है, इस स्ट्रक्चर का जो टॉप है वो कहाँ पे आया है, वहाँ ए पे। ठीक है, और जब दूसरे जगह से फोटो खींचे गया तो इसका टॉप कहाँ पे आया, ए डैश पर, इस फोटोग्राफ पे ए डैश पे आ रहा है, यहाँ ए पे आ रहा है, यहाँ ए डैश पे आ रहा है। ठीक है, ये फोटोग्राफ है अगर आपका, ये प्रिंसिपल पॉइंट है बीच में और यहाँ पे आ रहा है ए, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, अगर ये एक्स है, ये लाइन एक्स मान लो आप, ये मान लो वाई,
वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यही तो होंगे, ये डिस्टेंस होगी एक्स और ये डिस्टेंस क्या होगी वाई, ठीक है। कोई एक स्ट्रक्चर है उसका जो टॉप है वो एक फोटोग्राफ में उसको ए से दिखाया गया है, दूसरे फोटोग्राफ में उसी स्ट्रक्चर के टॉप को ए डैश से दिखाया गया है, दोनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे अपने अपने फोटोग्राफ में, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये लाइन वो लाइन है जिससे इस व्यू को देखा गया है, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है इसका जो ए एक्स कोऑर्डिनेट है उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया, ए वाई को एक्सटेंड कर दिया गया, सेम एज कर दिया गया, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे नीचे वाले जो है ना इसको मत समझो अभी, वो ये लाइनें ऊपर से जो आ रही है इनको समझ लो, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें दिखाऊं फोटोग्राफ में जो ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, प्रिंसिपल पॉइंट वाली लाइन एक्सटेंड है, ये आपके दोनों फोटोग्राफ से लाइनें एक्सटेंड है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर ए एक्स कोऑर्डिनेट है आपका फोटो के ऊपर तो नीचे होगा कैपिटल एक्स ए, अगर ए वाई है कोऑर्डिनेट आपका फोटोग्राफ पे तो नीचे होगा कैपिटल एक्स ए, ठीक है, और अगर ऊपर है ए तो नीचे कैपिटल ए, ऊपर ए नॉट है तो नीचे कैपिटल ए नॉट, ऊपर ए डैश है तो नीचे कैपिटल ए डैश, ठीक है, ये है। अब हमें निकालना है इसमें एक इक्वेशन, तो यहाँ से हम देखते जाते हैं, यहाँ पे इसने बोला है कि सिमिलर ट्राइंगल ऑफ ओ वन ए ए वाई और ओ वन ए नॉट ए वाई, ये कौन से हैं आपके, इसको याद करना पड़ेगा बार बार स्क्रॉल में, ओ वन ओ वाई, ओ वन ओ और क्या है ए वाई, ठीक है। तो ये है आपका ओ वन ओ ए वाई, क्या है आपका यहाँ पे ये वाला, इस ट्राइंगल को और अब इसके नीचे वाला जो बड़ा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को सिमिलर मान लिया गया है, ठीक है। अब सिमिलर मान लिया गया है तो एफ अपॉन एच ऐसे करके हम इसमें कोई एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, देखो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर है, सिमिलर है क्योंकि कॉमन एंगल आ रहा है हमारा, ठीक है। तो वहां पे वाई ए, वाई ए का मतलब है जो ग्राउंड पे वाई कोऑर्डिनेट है ए है, अगर आप सिमिलर ट्राइंगल में देखोगे तो सिमिलर ट्राइंगल में भी हमने कोऑर्डिनेट कौन से लिए हैं, वाई लिए हैं, ए वाई कैपिटल ए वाई, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके हिसाब से जो ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या निकाला, वाई कैपिटल वाई ए अपॉन एच माइनस एच ए स्मॉल एच ए वाई ए अपॉन एफ ए। आपको समझाता हूँ, अगर दो ऐसे सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये एक स्मॉल ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसकी हाइट है एच और इसकी हाइट है आपकी एफ, तो क्या होगा एफ अपॉन एच और कोई और दूसरा कोऑर्डिनेट भी लेते हैं, बेस स्मॉल बेस ये बी है और ये बी है तो बी अपॉन बी, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके से हम लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने की है, ठीक है। तो कैपिटल वाई ए अपॉन एच माइनस वाई, एच जो है आपको डेटम तक हाइट है और एच ए क्या है आपका स्ट्रक्चर की हाइट डेटम से, तो अगर हम ट्राइंगल लेंगे वो वाला तो हमें पूरी हाइट तो लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल है हमारा इसमें जो हाइट है वो यहाँ तक ली गई है, ये स्ट्रक्चर की हाइट है, ठीक है। ये 3D में दिखाया गया है, देखो ये लाइन यहाँ जा रही है, आप बोलोगे स्ट्रक्चर तो सर ए पॉइंट तो ऊपर है लाइन से, तो आपका ये 3D में दिखाया गया है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की हाइट ये एच ए है, अगर यहाँ ए पॉइंट से लोगे तो यहाँ तक ये भी एच ए है, ठीक है। इसी डेटम को यहाँ पे डैश डैश से दिखाया गया है 3D में दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर्टी, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसमें वाई ए निकाल लिया जो किसकी फॉर्म में है, स्मॉल वाई ए एफ एच माइनस एच ए। एक पॉइंट ओ है, एक दूसरा पॉइंट ओ वन है, ओ वन से जो फोटोग्राफ लिया गया उस फोटो पे आया एक स्ट्रक्चर का डायग्राम, उस स्ट्रक्चर का जो टॉप है उसका जो पॉइंट को दिखाया गया है कोऑर्डिनेट से स्मॉल एक्स ए स्मॉल एक्स वाई कैपिटल एक्स ए कैपिटल एक्स वाई,
वहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी निकाल के ग्राउंड पे हमने वाई ए कोऑर्डिनेट निकाल लिया, सेम एज हम एक्स ए कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार डायग्राम में दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा सा। या नीचे आप अपने हिसाब से डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये जो फोटोग्राफ है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ये है आपका उस टॉप उस स्ट्रक्चर के टॉप की हाइट। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है उस फोटोग्राफ में, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया प्रिंसिपल पॉइंट। जब इस पॉइंट को नीचे किया और हमने इस पॉइंट को नीचे किया, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, एक स्मॉल ट्राइंगल ऊपर बनता है हमारा, एक स्मॉल ट्राइंगल नीचे बनता है। तो हमारा क्या निकलता है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है हमारी स्मॉल एक्स ए, ठीक है, तो हमारा क्या निकलता है कैपिटल एक्स ए। अगर हम यहाँ पे इस वाली लाइन को नीचे करते हैं तो जो ट्राइंगल बनते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है हमारी कैपिटल वाई ए है, और स्मॉल वाई ए फोटोग्राफ पे ग्राउंड पे कैपिटल वाई ए। तो इन दोनों ही लाइनों से, अभी मैं सीधी लाइन खींच नहीं पाया हूँ, जिससे आपको लगेगा ट्राइंगल यहाँ पे आप देख सकते हो। जब हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, तो हमारा निकलेगा कैपिटल एक्स ए, और जब हम इसको लेंगे पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको ए वाई, इस ट्राइंगल को लेंगे तो निकलेगा कैपिटल वाई। तो इस तरह का, इस तरीके से जो फोटोग्राफ ए है, ए फोटोग्राफ बोल देते हैं, ए फोटोग्राफ से आपने दो सिमिलर ट्राइंगल से आपने दो इक्वेशन निकाल ली, ग्राउंड पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए वाई ए एक्स ए। अब चलते हैं फोटोग्राफ नंबर टू पे। तो फोटोग्राफ नंबर टू पे भी उन्होंने सिमिलर ट्राइंगल लगाया उसी तरीके से, और यहाँ पे ये निकाल लिया है आपका इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, जब आप बुक में कभी स्टडी करने की कोशिश करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो आप यहाँ कंफ्यूज होगे, चलो ठीक है ये वैल्यू तो आ गई है, पर ये यहाँ पे ये कैसे आ गया, यहाँ b माइनस एक्स ए कैसे आ गया, जबकि यहाँ पे केवल एक्स ए है। एक्स ए तो समझ में आता है जब आप ध्यान से उस फिगर को देखोगे, लेकिन b माइनस एक्स ए कैसे आता है। तो इसको समझने के लिए हम दोबारा डायग्राम पे चलते हैं और इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं, ओ टू ए डैस ओ डैस ए एक्स। ठीक है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओ टू ओ डैस ए एक्स, यानी कि ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ये। अब इसमें क्या लिया हुआ है, बी माइनस एक्स ए क्यों लिया हुआ है, क्योंकि भाई इसका जो है ना आपका यहाँ से जो है इसका कोऑर्डिनेट ग्राउंड पे वो क्या है आपका एक्स ए। ठीक है, उस फोटोग्राफ के उस स्ट्रक्चर के टॉप का जो कोऑर्डिनेट है आपका एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट फोटोग्राफ में वो क्या है एक्स ए, और दोनों फोटोग्राफ का डिस्टेंस क्या है बी, तो सेकंड का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे b माइनस एक्स ए। तो बेस b माइनस एक्स ए कैपिटल एक्स ए डिवाइड बाय छोटा वाला बेस, यानी कि ये वाला बेस एक्स ए डैश इज इक्वल टू f अपॉन h माइनस स्मॉल एच ए। इस तरह से तो इक्वेशन निकालते हैं सिमिलर ट्रायंगल की, वही वहाँ पे क्या हुआ, बस ये वाला टर्म कैसे आया कि b माइनस एक्स ए कैसे आया, जबकि अभी तक हम x ले रहे थे वो इस तरीके से है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट फोटोग्राफ से दो ट्रायंगल सिमिलर लगाए और हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया ग्राउंड पे वाई ए एक्स ए। फिर हमने दूसरे फोटोग्राफ में एक हमने लगाया सिमिलर ट्रायंगल और उससे हमारा निकल गया एक्स ए, ठीक है, बी की फॉर्म में, और दूसरे एक्स डैश ए की कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। ठीक है, और अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें बी और सी इक्वेशन फ्रॉम बी इक्वेशन और फ्रॉम सी इक्वेशन, इस एक्स ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास एच ए निकल का आता है स्ट्रक्चर की हाइट, डेटम से स्ट्रक्चर की हाइट निकल का जाती है इस इक्वेशन में। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो पी ए की वैल्यू। अब पी ए क्या है, ठीक है, पी ए है आपका पैरलैक्स, पी ए है आपका पैरलैक्स। ये क्या होता है, फोटोग्राफ पे, दोनों फोटोग्राफ पे उस टॉप के स्ट्रक्चर का एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अलग होगा, एक्स डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं तो उनका डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ये डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस का डिफरेंस। ठीक है, या मैं इसको इस तरह से समझा देता हूँ यहाँ पे डायग्राम बना के, एक फोटोग्राफ ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये है इसका
फोटो की हाइट, तो फोटो की हाइट, फोटो की हाइट अगर अगर फोटो की हाइट ये है तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो गया ये, एक डिस्टेंस ये हो गई। अब दूसरे फोटोग्राफ में यही पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसकी डिस्टेंस ये हो गई। तो इन दोनों डिस्टेंस को अगर माइनस करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ही आपका कहलाएगा पी, ठीक है। तो वही पी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, एक्स माइनस ए, एक्स ए माइनस एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी गई। तो एच ए जो हाइट ऑफ स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू आ गई है आपकी पी ए की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या किया है कि इन्होंने लिखा है नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 15 इनटू बी और ए, आपने बी और ए इक्वेशन निकाली थी, ये निकाली थी वाई ए की फॉर्म में, ये निकाली थी एक्स ए की फॉर्म में, इसमें एच ए की वैल्यू पुट कर दो तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है। इसका डेरिवेशन आ सकता है और इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हाँ ठीक है समझने में दिक्कत है लेकिन ये है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर मेरे को एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्वेश्चन इसको समझते हैं। जब व्हीकल ओ पे था तो हमने फोटोग्राफ खींचा, जब व्हीकल ओ टू पे था तो हमने फोटोग्राफ खींचा, और दोनों के का बीच का डिस्टेंस है बी, और इन दोनों के बीच में कॉमन स्ट्रक्चर आ गया है ए, जिसका टॉप है ए, ठीक है। तो फोटोग्राफ पे ए है आपका ग्राउंड पे फोटोग्राफ स्ट्रक्चर का टॉप, तो इसका क्या क्या आएगा आपका फोटो ओ वन में, फोटो ओ वन और ओ टू में, ठीक है। ओ वन ओ टू कहते हैं, इसमें आएगा इसका आपका एक्स स्मॉल एक्स ए फोटोग्राफ पे कोऑर्डिनेट, स्मॉल वाई ए आपका फोटोग्राफ पे वाई कोऑर्डिनेट, ग्राउंड पे कोऑर्डिनेट एक्स ए और वाई ए। इसी तरह यहाँ पे आएगा एक्स डैश ए, वाई डैश ए, कैपिटल एक्स डैश ए और कैपिटल वाई डैश ए, यही आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल एक्स डैश ए कैपिटल वाई डैश है उसको किसकी फॉर्म में ले लिया, माइनस की फॉर्म में, कि बी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर एक कोऑर्डिनेट एक्स है और उनके बीच का डिस्टेंस पता है तो बी में से माइनस करके इस फॉर्म में ले लिया, ठीक है। इसमें सिमिलर ट्राइंगल लगाया हमने एक कोऑर्डिनेट में और दूसरे कोऑर्डिनेट में, और एक इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई इससे, और इससे हमने निकाली केवल एक इक्वेशन ओ टू फोटोग्राफ से, और उससे जो वैल्यू पुट आई वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास आ गया एक्स ए वाई ए और हमारे पास एक एच ए हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, तीन इक्वेशन आ गई। हाइट ऑफ स्ट्रक्चर में हमने पी की वैल्यू पुट कर दी, जो होती है हमारी एक्स ए माइनस एक्स डैश ए, ये वैल्यू पुट कर दी पी बराबर। तो अब हाइट ऑफ स्ट्रक्चर की जो इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में आ गई, पी की फॉर्म में, पैरेलेक्स की फॉर्म में। अब ये जो हाइट ऑफ स्ट्रक्चर क्योंकि इन दोनों में आ रहा था, इन दोनों की इक्वेशन में यूज हो रहा है एच ए, तो वहां पे पी ए की वैल्यू, एच ए की वैल्यू पुट कर दी। तो अब एक्स ए और वाई ए पी की फॉर्म में आ गया, यानी कि पहले फोटोग्राफ में जो स्ट्रक्चर है उसके एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है ग्राउंड पे एक्स ए और वाई ए, वो इक्वेशन तो हमने पहले भी निकाली थी लेकिन इस बार जब निकाली वो किसकी फॉर्म में आ गई है, वो पैरेलेक्स की फॉर्म में आ गई है, उसमें पैरेलेक्स भी यूज हो रहा है, दूसरे फोटोग्राफ का कुछ डाटा यूज हो रहा है, क्योंकि पी जो है पैरेलेक्स उसमें कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है दोनों फोटोग्राफ का, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैरेलेक्स इक्वेशन। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ, ये लास्ट टॉपिक था, फिर एक न्यूमेरिकल मुझे कराना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, बस आज का लेक्चर ये इतना खत्म हो जाएगा, 20 मिनट बची हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कुछ बात कहनी हो तो। सर ये पिछले जो दो क्लासेस से ये जो अपने मतलब नोट्स डिस्प्ले कराएंगे कहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि सर इसको दोबारा से लिखना या करना है ना। अच्छा ठीक है, लेक्चर तो मिल गए होंगे आपको, लेक्चर तो है सर। हाँ लेक्चर है, मैं आज इसको स्कैन कर दूंगा, ये तो स्कैन है ही, लाओ मैं इसे, पर ये सीक्वेंस में नहीं है, टॉपिक वाइज है, मैं सीक्वेंस में एक है ना पूरे चैप्टर का फोटोग्राफ लेके वो स्कैन करके पीडीएफ भेज दूंगा। अरे बुक कौन सी है? ये है एसके दुग्गल वॉल्यूम 2। ओके ठीक है, वॉल्यूम 2 में आपका दिया है फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, जीआईएस जो वो भी इसमें दिया हुआ है, फोर्थ फिफ्थ यूनिट और फोर्थ यूनिट भी इसमें गिवन है, ठीक है। और इसमें जो न्यूमेरिकल है ना, लगभग ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में जो मैंने इसमें से कराए हैं, ठीक है। हाँ इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा जब बुक हाथ में होगी और पेपर हाथ में होगा, प्रिंट आउट होगा ना इस डायग्राम का, आप लाइन खींच के तभी आपको थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन है वो दो या तीन तरीके से हर बार 100% आता है और 10 नंबर का आता है, और इसमें बच्चों की जो कंप्लेन होती है कि ये होती है
बच्चे बताते हैं जब हम उनसे पूछते हैं कि सर आप क्वेश्चन तो आसान है आता भी है, पर बीच में कंफ्यूजन हो जाती है जिससे टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है और टाइम लेने के बाद भी गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में। हमेशा ये होता है, बट सभी को आता है, आप भी बोलोगे हमें आता है और कई बच्चों ने किया होगा, बस एक्सटर्नल एग्जाम में मिस्टेक हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है और गलती हो जाती है इसमें। तो देखो क्वेश्चन कौन सा है, वो आपको मैंने टेस्ट में भी दिया था ये वाला क्वेश्चन, ये देखो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें 10 नंबर का आया हुआ और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल दिया है इन्होंने, तो इससे भी टफ आ सकता है लेकिन बहुत सिंपल। कंपास सर्वे का है बेरिंग दी वे लाइंस की और आपको करेक्ट बेरिंग निकालनी है। तो मैं इसके सॉल्व तो करूंगा नहीं, 20 मिनट में तो हो नहीं पाएगा सॉल्व, पर स्टेप्स बता दूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलना है आपको। तो पहले मेरे को ये बताओ, ये जो डायग्राम है, ये जो मैंने क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये ओपन ट्रेवर्स का क्वेश्चन है कि क्लोज ट्रेवर्स का है, कोई मेरे को बताया जल्दी से। सर ओपन ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स का ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा लाइन है वो आके हमारी ऐसा नहीं है कि एसटी के बाद टीपी पॉइंट से नहीं कनेक्ट हुई, तो ये है ओपन ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स को सॉल्व करने का तरीका अलग है, क्लोज ट्रेवर को सॉल्व करने का तरीका, आज ओपन की बात कर लेते हैं। ओपन का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस आपके एंगल्स चेंज होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको। सबसे पहला स्टेप होगा आपका इसको ड्रॉ करना, ड्रॉ किए बिना भी हो सकता है, पर ड्रॉ किए बिना बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी, ठीक है, गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है, बल्कि 90% चांस है गलती होने के, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट और प्रैक्टिस होती है वही कर पाता है बिना ड्रॉ करे। तो इसको हमें पहले ड्रॉ करना है, जैसे सिंपल से बोलूँ पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू ये एक लाइन है, ये है पी और ये है क्यू लाइन, ठीक है। फोर बेरिंग क्या होती है, नॉर्थ से एंगल, तो ये हम बना लेते हैं नॉर्थ, ये है आपका नॉर्थ, और तो ये एंगल क्या होगा, क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ से, ये क्या होगा 45 डिग्री, जो भी है मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, पूरा एंगल नहीं लिखूंगा, 45, ठीक है। और आपका क्यू से फिर क्या है आर, अभी फोर बेरिंग बनाओ, पहले फोर बेरिंग बना लो बन जाएगा, P से Q बन गया, Q से R है 96 डिग्री, पहले तो बना लो नॉर्थ, ठीक है, Q से R जा रहा है 96, यानी कि 90 डिग्री तो यहाँ पे है, तो यहाँ लगभग यहाँ पे जा रहा होगा, ये क्या है आपका पी क्यू आर, ये R पॉइंट है, यहाँ पर भी नॉर्थ बना लो, ये R से S, ये इसकी बात कर रहा हूँ, R से S है 29 डिग्री, यानी 29 लगभग यहाँ पे होगा, ये है S, यहाँ पर लो। एस से टी 324, यानी कि लगभग ये लाइन है, ऐसे एस से टी, ये है टी पॉइंट, तो ये बन गया ओपन ट्रेवर्स। अब बैक बेरिंग की बात करते हैं, पी से क्यू पे फोर बेरिंग ये है, तो बैक बेरिंग क्या होगी, क्यू से पी, नॉर्थ से मेजर करते हैं और क्लॉकवाइज ही, तो ये एंगल, ठीक है, इसको कलर चेंज कर दूं, चलो कभी और, ठीक है, ये एंगल होगा। दूसरा है क्यू से आर, तो आर से क्यू, नॉर्थ से ये एंगल, ठीक है। तीसरा है आर से एस है फोर बेरिंग, तो एस से आर, ये एंगल नॉर्थ से। फिर है एस से टी, यानी टी से एस, यानी कि ये, ठीक है। तो इस तरह से ओपन ट्रेवर्स आपका बन गया, पहला स्टेप ड्रॉ डायग्राम, ये लिख लेना है क्योंकि इधर अभी रफ हो जाएगा, पहला स्टेप हो गया आपका ओपन ट्रेवर्स करने का। और टेबल बना लोगे इसको टेबल बना लोगे और इसमें यहाँ पे लिखोगे एक कॉलम का डिफरेंस, फर्स्ट स्टेप आपने ड्रॉ कर लिया। सेकंड स्टेप आपको ये पता करना है किन दो के बीच में आपका फोर बेरिंग बैक बेरिंग के बीच में डिफरेंस 180 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डिफरेंस 180 आए ना आए, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो लिखना है यहाँ पे, इन दोनों में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो लिखना है, इन दोनों में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो लिखना है, इन दोनों में जो भी आ रहा है वो आ रहा है। अगर 180 किसी में आ रहा है तो बढ़िया है, अगर किसी में 180 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, जिसमें मिनिमम डिफरेंस होगा उसको ले लेंगे, ठीक है। एक बार एक एग्जाम में हुआ था बच्चों के साथ, बच्चों ने कहा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो क्या करना है आपका, अगर बैक बेरिंग फोर बेरिंग में डिफरेंस जिसमें मिनिमम आ रहा है उसको चूज करेंगे, अगर 180 नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर 180 आता है, ठीक है।
सेकेंड स्टेप ये हो गया 180 आपने देख लिया। अब मान लो एग्जांपल कि इन दोनों में 180 आ रहा है, ठीक है, अगर इन दोनों में 180 आ रहा है इसका मतलब ये लाइन एसटी लाइन जो है करेक्ट है, एसटी लाइन करेक्ट है, यानी कि वो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल फिक्स है, यानी कि एस से कोई भी पॉइंट लिया गया और टी से कोई भी पॉइंट लिया गया वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। एस से कोई भी रीडिंग ली गई, कोई भी लाइन की बेयरिंग ली गई और टी से कोई भी ली गई वो करेक्ट होगी, ठीक है। अब टी से कौन सी ली गई है, टी से कोई भी नहीं ली गई, लेकिन एस पे कोई लाइन आ रही है, यहाँ पे टी से तो कोई लाइन नहीं है ना, टी पे खत्म हो रहा है हमारा ट्रेवल, लेकिन एस पे कहाँ क्या आ रही है, आर वाली लाइन आ रही है, ठीक है, यानी कि आर वाली लाइन आ रही है, यानी कि एस से आर यानी कि बैक बेयरिंग ये 201 जो है ये करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तीन रीडिंग आपको करेक्ट मिल जाएगी तुरंत जैसे ही आपका 180 डिफरेंस आएगा। अब आप जो रीडिंग बची वो आपको करेक्ट करके निकालनी है, ठीक है। अगर ये बताओ मुझे, आर एस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, आर एस लाइन की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर ये करेक्ट है बैक बेयरिंग तो फोर बेयरिंग कैसे निकालेंगे, जल्दी से कोई बताओ। बताओ कोई, 201 डिग्री 10 मिनट करेक्ट है सर, 180 हटा देंगे सर, 21 डिग्री 10 मिनट आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि डिफरेंस 180 होना चाहिए, अगर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, कोई एरर नहीं है, है ना, तो अगर 201 डिग्री 10 मिनट में से 180 माइनस कर देंगे तो करेक्ट आ जाएगा आपका फॉर बेयरिंग ऑफ आरएस, ठीक है। अब इसके बाद वाला पॉइंट समझने वाली बात है, यहाँ तक तो शायद ईजी था समझना, इसके बाद वाला कि और रीडिंग्स को कैसे करेक्ट करें, ठीक है, इसको कैसे समझना है आपको। देखो ये जो आर एस लाइन है अब ये भी करेक्ट हो गई ना, इसकी फोर बेयरिंग भी करेक्ट हो गई और बैक बेयरिंग भी करेक्ट हो गई, बैक बेयरिंग तो करेक्ट थी पहले से, फोर बेयरिंग में कुछ करेक्शन आया 5-10 मिनट का जो भी आया होगा। एग्जांपल के तौर पे मान लो, अभी मान लो, हो सकता है कुछ और हो, कि जो आर एस की जो फोर बेयरिंग है उसमें जो करेक्शन आया है वो 5 मिनट का आया है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू जो है इसकी वो है 29 डिग्री 40 मिनट, यानी 5 डिग्री ज्यादा था, यानी 5 डिग्री माइनस करना पड़ा, है ना, 5 मिनट माइनस करना पड़ा, ठीक है। करेक्ट बेयरिंग क्या है इसकी, 29 डिग्री 40 मिनट। अब आर एस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये है आर एस लाइन, ठीक है। अब यानी कि आर से जो भी रीडिंग ली गई होगी, आर पॉइंट से, क्या वो करेक्ट होगी या नहीं होगी, बताओ मुझे, कोई बताएगा, आर से जो भी रीडिंग ली गई होगी अब वो करेक्ट होगी या नहीं होगी। मैं ही बताता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि अगर किसी पॉइंट की, किसी लाइन की फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग करेक्ट है तो उससे हर लाइन ली गई या उस पर कोई लाइन आ रही है तो करेक्ट होगी, लेकिन आर में ना करेक्शन है 5 मिनट का, आर में जो भी लाइन आ रही होगी या लाइन जा रही होगी उसे 5 मिनट का करेक्शन करना पड़ेगा तब वो करेक्ट होगी। तो आर पे क्या आ रही होगी, क्यू की लाइन आ रही होगी, क्यू की लाइन आ रही होगी आर पे बैक बेयरिंग, तो जो क्यू की बैक बेयरिंग है इसमें क्या होगा, 5 मिनट का करेक्शन होगा, तो -5 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे तो ये 277 हो जाएगी। अब 277 ये हो जाएगी, तो अब क्यू आर फोर बेयरिंग आप निकाल लोगे, 180 माइनस कर दोगे, फोर बेयरिंग आ जाएगा। अब फोर बेयरिंग जो आएगा उसमें कितना करेक्शन आया वो देखना होगा, अब उससे जो पॉइंट आ रही है पिछली वाली बैक बेयरिंग जो आ रही है उसमें उतना करेक्शन करना पड़ेगा, तो इस तरीके से सारी रीडिंग करेक्ट होती चली जाएंगी। कितना सिंपल और 10 मार्क्स का आया है ना। अगर किसी को कैलकुलेटर सही से चलाना आता होगा कि कैसे इनको माइनस करना है डिग्री मिनट्स को, तो बहुत जल्दी कर लेगा, वरना क्या इसमें माइनस प्लस में और बच्चे टाइम लगाते हैं, है ना। कभी दिखाऊंगा कैलकुलेटर में, बता भी रहा था, वीडियो भेजूंगा कि माइनस करना है, क्योंकि 60 मिनट का एक डिग्री होता है तो माइनस कैसे करें, पहले कन्वर्ट करें, क्या करें, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन में टाइम लेता है। लेकिन अगर आप देखोगे 4-5 मिनट का ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हो, 5 मिनट में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और 10 नंबर का है, ठीक है। फिर एक बार और मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्लैंक पेपर मिल जाएगी, अच्छा यहाँ देखो, ये तो वाली लाइन थी जिसकी हमारा 180 डिफरेंस था,
ठीक है, एस और टी, ठीक है, तो यहाँ से सारी रीडिंग करेक्ट है। तो यहाँ से हमें एक ही रीडिंग थी हमारे पास, ये नॉर्थ है, एक ही रीडिंग थी बैक बेरिंग, क्योंकि टी के आगे तो हमारा खत्म है, तो फोर बेरिंग तो होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कितनी रीडिंग थी, यहाँ पे हमारी रीडिंग थी, एक तो थी हमारी फोर बेरिंग, ये करेक्ट है, और एक आर की वैल्यू, आर रीडिंग जो आ रही थी, कोई आर आ रही थी कहीं भी आ रही है, ये भी हमारी करेक्ट होगी, ठीक है। अब ये भी हमारी करेक्ट है, ठीक है, तो अब ये करेक्ट है, तो हमने आर से जो आपकी फोर बेरिंग आ रही थी ये कैसे निकाली, इन दोनों का डिफरेंस करके 180 आ गया। तो ये हमारी जो रीडिंग आई है फोर बेरिंग, यहाँ से इसमें 5 मिनट का डिफरेंस था, तो इस पे जो दूसरी लाइन आ रही होगी ना, उसकी जो बैक बेरिंग होगी उसमें से 5 मिनट आपको माइनस करना होगा, तो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह 5 मिनट ऐड, और हो सकता है ऐड करना पड़े, हो सकता है आपको माइनस करना पड़े। सर क्लास चल रही थी सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को, 10 नंबर का न्यूमेरिकल, थोड़ा सा जो क्लोज ट्रेवर्स का है ना, थोड़ा सा वो लेंथी है कंपेयर टू दी ओपन ट्रेवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के, जो प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि उसके लिए टाइम भी कम है। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट है, बहुत सिंपल है, कर लोगे ना, कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। है किसी का कोई डाउट इसमें? बहुत सारे बच्चों ने किया नहीं था ना टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन, एक क्लोज टेबल्स का कल करा दूंगा मैं, ठीक है। फिर यहीं तक रखते हैं आज।